जानू भाई, जानू भाई वो आ गई, आ गई है तो वो आ गई जानू भाई, यही शैतान है, यही है जिसने क्या किया मेरे साथियों के साथ, मेरे बच्चे के साथ। ओए क्या कर रहा है? ओए जानू भाई होश में ला रहा हूँ इसको। ये होश में लगा रहा है या उसे होश बेहोश कर रहा है तू? मैं उसे होश में ला रहा हूँ। तुम क्यों बता सी जबरदस्ता? गायब हो गए जानू भाई, गायब हो गए जानू भाई। हाँ जी, ये क्या हुआ है? क्या हुआ? ठीक है, एक बंदे को ऐसा झटका लगा कि वो बंदा अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसका दोस्त था, यानी तो कि अभी तक की यानी कि बीमार है, बीमार बीमार हो, ठीक पागल हो गया। जानू भाई जानू भाई यार देख के तो चले यार, आगे क्या हो गया? गायब हो गए ये जानू भाई, गायब हो गए जानू भाई, गायब हो गए अवेश। या अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहां फंस गया जानू भाई, अवेश भाई आप मुझे देख रहे हैं? जानू भाई, अवेश भाई आप मुझे देख रहे हैं? अभी कोई चीज है, अभी कोई चीज आई है, वही चीज जिसने मुझे कब का जकड़ के रखा हुआ है। जानू भाई हमें नहीं मिल रहे। फिर हुए ये वही चीज है, जानवर है, पता नहीं क्या चीज है ये तो। जी जानू भाई, जानू भाई, जानू भाई, जानू भाई, एक तो चलती फिरती ऐसे चुड़ैले आ जाती हैं यार। जानू भाई ये पता नहीं क्या चीज है, मुझे नहीं पता, मगर उसने ये कोई ज्यादा उम्र वाली चुड़ैल है जो चल नहीं सकती, ये पीछे भाग रही है आपके, जो ऐसे लग। आप कहाँ गए थे? इस पे पढ़ाई करता हूँ, ये बता नहीं सकती, ऐसे मैं हाथ लगा सकता हूँ इसे, फिर से हमला हो जाएगा। मैं हाथ लगा सकता हूँ, फिर से वही काम हो जाएगा। नहीं मुझे डर लग रहा है फिर आप गायब हो जाएंगे यार, आप गायब हो जाएंगे यार, फिर आप गायब हो जाएंगे जानू भाई। जानू भाई अवेश आ गया, जानू भाई अवेश बेहोश है, मैं आऊं जानू भाई, मैं आऊं, अवेश आ गया यार। जानू भाई चुप चुप चुप, इसको होश में तो लाएं। चुप चुप, पड़ा रहने दो, जिधर पड़ा है पड़े रहने दो, इसे कुछ नहीं होता यार। जब मैं इसे बुलवा सकता हूँ तो होश में भी दिलवा सकता हूँ, सबर करो, हर चीज टाइम पे हर चीज आ जाएगी, हर चीज सबर करो। माजिद भाई। हाँ जी जानू, अवेश तो गया। हाँ वही तो, मैं होश में तो लाए, इसी हकीकत तो पूछी, ये था कहाँ, गायब कहाँ हुआ, क्या मसला क्या था? ये पड़ा है ना। हाँ इसे पड़ा रहने, कुछ ना करो इसे, ये अभी होश आ जाएगा, जब पहले ये जगह कंप्लीट होगी ये होश में आ जाएगा, पहले उसको बुलवाने दो आप। किसको? जो इसे उठा के ले गई है।
क्या चीज वो जो ये जो जो, जो मखलूकात थी वो? हाँ पहले मैं कह रहा हूँ इसको होश में लाएं। ये पड़ा रहने दो माजिद भाई, ये टेंशन ना लो, कोई चीज टेंशन वाली बात नहीं है, छोड़ दो। जानू भाई इसको होश में लाएं, इससे हकीकत तो पता करें। होश में ला, उठ। मैं लाऊं? उठ अवेश भाई। अवेश भाई अवेश भाई जानू भाई तस्वीर पढ़ाई करूँ, जानू भाई तस्वीर। अवेश भाई क्या कर रहा है? जानू भाई होश में ला रहा हूँ इसको। ये होश में लगा रहा है या उसे होश बेहोश कर रहा है तू? मैं उसे होश में ला रहा हूँ। मैं होश में ला रहा हूँ। नाज़रीन आपने देखा है कि उसके होश लगा लाने के लिए आप इसको जिन हो गए, इसमें आ गई है वो। वैस खड़ो ओए ओए खड़ो ओ खड़ा हो जल्दी हो यार, खड़ 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 खड़ो 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 खड़ 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 खड़ो होश में यार, खड़ो 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 खड़ो। ये क्या? ये तेरे तुझे होश में लाने के लिए इसे इस पे अटैक हुआ। ये भी मेरे माजिद क्या हो गया? माजिद जो माजिद उठिए। हेलो यार खुदा की बदल, कौन सी मखलूक ये है? इतनी बड़ी हमें, इतने हमारे साथ गुनाह थे कि इस जैसा बंदा हमें मिला जो हमें उठाने उठा ही नहीं सकते। यार इसे उठा पहले। यार ये उठता है हमसे? ये 10 बंदों से नहीं उठता। यार इसे होश में लेके आओ ना। रुक जाओ रुक, ये उठाने उठने वाला काम ना, बताओ मुझे होश में ले आता हूं इसे। रुक पीछे पीछे पीछे।
माजर इसकी आंखें की फूट गई माजर ओए भाई भाई मैं सुन इस पे पढ़ाई कर इसे होश में ला होश में ला
एक बार जब मैंने गोली है होश में ला तो उसे होश में ला। होश में ला रहा हूं। एक बात तुझे नहीं सुनाई दे? ऐसे होश में ला। पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। तू कर। खड़ो माजे। क्या हो गया था यार तुझे? यार जान भाई मुझे इतना जिस्म में दर्द क्यों है? माजे तू इधर से खड़ा हो, पीछे जा, पीछे जा। इधर आए तू? मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ इधर आ। वो वाली पढ़ाई कर। ओए इधर आ बैठ। महेश भाई तबीयत ठीक है? जानू भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे जिस्म में। बैठ के ठीक है आप? ये बताए बैठा ठीक हूँ, मेरे जिस्म में सर में बहुत हिम्मत है। आप अगर हम काम शुरू करें हिम्मत है? हाँ आप करें काम, मगर करो। दर्द बहुत है जिस्म के अंदर। जैसे आप कहें, अगर बात करना है तो बात कर दियो। नहीं आप करें, करें काम पूरा करें, ये हकीकत पता चले क्या हुआ है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे जिस्म में इतना दर्द क्यों है, क्या हुआ था जानू भाई? आप सिर्फ चुप होके बैठ जाए बस। अभी हुआ क्या था ये सब कुछ तो बताएं। माजिद भाई अवैध जैसे आए आप कहते हैं कि मैं इसे होश में ले आता हूँ। मैंने कहा तू जा, वो आप में ही घुस गई। अल्लाह मेरे जिस्म में इतना दर्द है तभी है। घुसी है तू मेरे पे भी हमला कर रहा है, अपने आप पे भी ऐसे उठाने। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जानू भाई। जान बोल के तो कोई नहीं करता, ऐसे होता है। मुझे लगता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कैमरा तो चल रहा है ना, देख लेना फिर भी क्या किया है। हम तो चलो झूठ बोल रहे हैं, आप तो देख लेंगे। करूं? हाँ जानू भाई करें।
हाजिर हो जल्दी, जो जो आपने मेरे साथियों के साथ काम किया है ना, मैं देख रहा हूं। आज सबका हिसाब मैं लूंगा, जल्दी करो। जानू भाई, जानू भाई वो आ गई। आ गई है तो वो आ गई जानू भाई, यही शैतान है, यही है जिसने क्या किया मेरे साथियों के साथ, मेरे बच्चे के साथ, माजिद के साथ और मेरे साथ भी। हंस रही हो अब? ये हंसने का टाइम है? हंसो हंसो और हंसो हंसो। तुम्हें मैं आग में जला दूंगा, अपनी हकीकत बताओ। हंसो हंसो और हंसो और हंसो और हंसो, जल्दी बताओ। अब रो रही हो? चुप हो चुप हो। अपनी हकीकत बताओ। हाँ जी आ गई समझ, ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ जी ठीक है। आ गई, ठीक ठीक हो गया, समझ आ गई। माजिद भाई इसके साथ क्या करूं बताओ? इसको खत्म कर दे जानू भाई, आग लगा दूं? यहीं पे खत्म कर दे इसको, कहीं कब्र में दफना दे इसको। जानू भाई गायब हो गया, गायब हो गया जानू भाई। जानू भाई ये क्या सब कुछ क्या था, ये क्या हकीकत थी जानू भाई? अल्लाह हू अकबर, क्या हुआ? खड़े हो खड़े हो खड़े हो, क्या हुआ है? क्या हकीकत थी ये सब कुछ, क्या है हमारे साथ, क्या हुआ है आज? हाँ जानू भाई, अल्लाह हू अकबर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आज ये सब कुछ हमारे साथ। नाजरीन क्या हुआ है, अभी वो चीज़ गायब हुई है, वो पहले हंसी है फिर रोई है, पता नहीं क्या मामला, क्या हुआ, क्या क्या हकीकत क्या थी? माजिद भाई इनको ना जिन नहीं होते जिन, इन लोगों की दुआ बद दुआ है, एक दुआ होती है एक बद दुआ होती है, जिसे ये बद दुआ वाली थी। अच्छा चुड़ैल की शक्ल
कुत्ते वाला धड़, अल्लाह जिसम जैसे भागने वाले कुत्ते की तरह भागते हैं। यानी कि एक तरफ जिन, हाँ इंसानी रूप में, इंसानी रूप, और दूसरा आता उसका जानवर वाला, जानवर वाला, ये जानवर वाला हिस्सा उसका, यानी कि जिस्म जानवर वाला और सर ये चुड़ैलों वाला। एक किसी ने कोई बात नहीं मानी होगी ना, इसलिए बद्दुआ उसने दी है। नाज़रीन, और ये सब कुछ क्या था, इसने क्यों ऐसा सब कुछ किया, इतनी ताकतवर चीज थी, क्या था? माजिद भाई इसकी कब्र हो गई, आगे समझ जो इसकी हकीकत थी मैंने सुन ली, हर चीज सुन ली, आपको बता दी। जब किसी की बददुआ निकलती है ना, वो किसी को नहीं देखता कैसे। नाज़रीन, ये मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, ये जितना काम ये खतरनाक है ना, और कोई भी काम खतरनाक नहीं है। मैं इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूँ कि शायद आप लोग इस काम को देख के कहें कि ये काम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस टाइम मेरे जिस्म के अंदर जो हालत है ना, मेरे जिस्म की एक एक हड्डी टूटी हुई है, ऐसे लगता है मेरा सर इतना भारी है कि जैसे पहाड़ किसी ने मेरे सर पे रखा हुआ हो, ऐसी सूरत हाल है। और जानू भाई ने जो कुछ फेस किया है, अवेश भाई ने आज जो कुछ फेस किया है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप लोगों को कभी ये सब फेस करना पड़े। ये हम लोग हैं जो आज इस खौफनाक जगह से ऐसे खतरनाक हालात में निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मगर खुदा न खास्ता कल अगर आप लोगों में से कोई भी इंसान ऐसे फंस जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। इसकी कोई चांस नहीं है आप दोबारा बच पाएं, आप यहाँ से निकल पाएं। ऐसे शैतानी जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और मौजूद है, इसलिए आप अपना और अपने प्यारों का इसी तरीके से ख्याल किया करें और उनकी हिफाजत किया करें और अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश किया करें। रात को ऐसे माहौल में कभी ना निकला करें, और जब भी ऐसे निकलना हो तो कोई दुआ दम दुरूद लाजमी करके निकला करें। ये जो कुछ भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने और अपने प्यारों का हमेशा ऐसे ख्याल किया करें। जब तक आप उनके ध्यान नहीं देंगे, ख्याल नहीं देंगे, हमेशा ऐसी मुश्किलात में फंसते रहेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप बाहर निकले दम दुरूद लाजमी करके निकला करें, क्योंकि ऐसे शैतानी जिन्नात और मखलूकात आपके ऊपर हैवी हो सकती है। जब हम लोग ही इस चीज़ से मुकाबला नहीं कर पाते तो आप लोग कोई इनके लिए अहमियत नहीं रखते। तो आज के इस प्रोग्राम से हमें दे इजाज़त। जानू भाई, इस सब कुछ से आपने क्या सीखा और हमने क्या सीखा, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? माजिद भाई, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा इन लोगों को कि आप नहाने जाते हैं जी, तो हमेशा नहा के अगर आप बाकी के हिस्से में, जब तक आपका सर ना सूखे जी, तब तक अपने दरवाजे से बाहर ये पाँव ना रखें, गीले सर से, गीले सर से, जैसे बंदा एक हम मिस्त्री करता है, ठीक है, पाक होकर बाहर साफ सुथरा निकल, साफ सुथरा यानी पाकीज़गी में हो, हाँ पाकीज़गी में हो, बाहर ना निकले जब तक आपका सर ना सूखे, गीले सर से नहीं निकल, गीले सर से नहीं निकलना, खास करके दरख्तों या ऐसी चीजों के पास नहीं, पास नहीं जाना, ये नहीं दरख्तों के पास होती हैं, ये हमारे घर के बाहर भी हो सकती हैं, गेट का रास का, ये घर में आती हैं, इनको दुआ होती हैं कि घर में नहीं आती है, बच्चे वगैरह होते हैं, कोई ज्यादा ही से अंदर आने की हो जरूरत नहीं है। जैसे ही बंदा पाक होता है, जब जैसे दरवाजे के बाहर निकलता है तो ये हमला कर देती है सार के ऊपर, ठीक है। मेरी यही दुआ है इनसे कि भाई जब नहा के बाहर ना निकले, सूख बिल्कुल गीला, सूखे बिल्कुल सूख कर फिर बाहर जाएं। चलें नाज़रीन, ये जानू भाई का मैसेज था, आपने हमारी बातें समझ ली होंगी, उम्मीद है कि आप इस पे अमल भी करेंगे। आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलिए जानू भाई।